एक अद्वितीय प्रयास है, मैं इस शहर से थोड़ा दूर है, लोग आए हैं, कितने लोग, मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ लोग बहुत उपस्थिति कम होगी, पर फिर भी इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। स्वागत है भाई अध्यक्ष जी की अनुमति। अर्ज करता हूँ क्या इसमें शामिल हो जाइएगा तो थोड़ा आपको आनंद आएगा, शब्दों पे मत जाइएगा क्योंकि कवि अपने ऊपर लेके बहुत सारी बातें कहता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो रही हुई है, क्रेडिट कहाँ गया है, क्रेडिट कौन ले रहे हैं और किन्होंने किसने काम किया है, सब बात कि किसी का गीत हो अधिकार से अपना बताते हैं। सुनिएगा, किसी का गीत हो अधिकार से अपना बताते हैं, भले लेखन किसी का हो मोहर अपनी लगाते पहुंचिएगा, शामिल हो जाइएगा कि किसी का गीत हो अधिकार से अपना बताते हैं, भले लेखन किसी का हो मोहर अपनी लगाते हैं, और उन्हें ऐसा भी करने में प्रशंसा जब नहीं मिलती तो यूं करते हैं फिर उस गीत को स्वर देके गाते हैं, यूं करते हैं फिर उस गीत को सर देखेगा। चार देखिए, हम राष्ट्रपति लोग हैं, किसी के कहने से आप देशद्रोही कभी नहीं हो सकते। मैं चार पंक्तियां कहता हूं, देखिएगा कि अलग अलग हैं गीत सभी के, अलग अलग हैं सबकी लय, अलग अलग हैं गीत सभी के, अलग अलग हैं सबकी लय, फिर भी मिलजुल कर गाने में नहीं किसी को है संशय। क्या बात, अलग अलग हैं गीत सभी के, अलग अलग हैं सबकी लय, फिर भी मिलजुल कर गाने में नहीं किसी को है संशय, और उनके ही स्वर हैं डरावने, उनको ही लगता है भय, जो कहते हैं नहीं कहेंगे भारत माता की हो जय। वाह वाह वाह, जो कहते हैं नहीं कहेंगे भारत। चार पंक्तियां और देता हूं, उसके बाद एक गजल आपको। कितना समय है बता दीजिए। अच्छा, इसके बाद अलग अलग हैं गीत सभी के, अलग अलग हैं सबकी लय। मैं चार पंक्तियां और कहता हूं कि बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं। कैसे हम कि बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं, उलझना हमसे मत, हम एक अलग पहचान वाले हैं, और नहीं है खौफ कोई, जान रखते हैं हथेली पर, कि हम दिल से जिगर से जा से हिंदुस्तान। आपने तालियां दी, मैं तालियों के लिए कहता नहीं हूं कभी किसी से, आपको अच्छी लगे जहां पे अच्छी लग जाए वहां तालियां बजा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। 6 मिनट है ना जी, 6 मिनट में तो यहीं के अंदर कर पाऊंगा मैं, एक गीत के दो बन और एक गजल। मैं हिंदी में भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ, कोशिश मारता रहता हूँ, अब आप लोग बताएंगे कि वो ठीक है या गलत है। कहता हूँ कि आशाओं की जितनी है प्रतिमाओं का वंदन करता हूँ, आशाओं की जितनी हैं
प्रतिमाओं का वंदन करता हूँ, एक चाह के लिए सभी इच्छाओं का मर्दन करता हूँ, एक चाह के लिए सभी इच्छाओं का मर्दन करता हूँ, एक चाह के लिए सभी। बंद देखिएगा, नेक्स्ट अब देखिएगा, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। ये मंच सिलेक्शन किया है समय साक्षी ने अध्यक्षता के लिए और संयोजक और इस संचालन के लिए बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा कि इतना अच्छा रानू बिस जी बैठी हुई हैं, गीता गैरोला जी, बहुत सारे हमारे जानकार लोग बैठे हुए हैं यहाँ। बन कहता हूँ देखिएगा कि जो जैसा वैसा दिखने की होती दर्पण की परिभाषा, जो जैसा वैसा दिखने की होती दर्पण की परिभाषा, तुमने भी तुमको भी परिवर्तित होने की कब रहती है अभिलाषा, फिर भी तुम प्रतिबिंब बनो, मैं अपना मन दर्पण करता हूँ, एक चाह के लिए सभी इच्छाओं का मर्दन करता हूँ। एक बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दीजिए फिर। जो भी पीड़ाएं दी तुम सुनिएगा, देखिए सुनिए, शामिल हो जाइएगा तो आनंद आएगा। कि जो भी पीड़ाएं दी तुमने उनका कब प्रतिकार किया है, जो भी पीड़ाएं दी तुमने उनका कब प्रतिकार किया है, विरह दिया जब भी तुमने उसको हंस कर स्वीकार किया है, जो भी संप्रेषित करते तुम उनका अभिनंदन करता हूँ, एक चाह के लिए सही इच्छाओं का मर्दन करता हूँ, एक चाह के लिए सभी इच्छाओं का मर्दन करता हूँ। दूसरा बंद, उसके बाद यह गजल।